नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ जहाँ आज आपको भारत का फ्लैग देखने को मिल रहा है, किसी ज़माने में यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का फ्लैग हुआ करता था। ये है वाइस राय लॉज, जिसे वाइस रीगल लॉज या फिर राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं। यह शिमला में है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि शिमला ब्रिटिश इंडिया के टाइम में इंडिया की समर कैपिटल हुआ करती थी। तो ये वायस रीगल लॉज ब्रिटिश वायस राय ऑफ इंडिया का रेजिडेंस हुआ करता था। ब्रिटिश राज में वायस राय जो है ब्रिटेन का रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, जो कि उस टाइम के भारत का हेड ऑफ द स्टेट हुआ करता था। सिंपल भाषा में कहें तो पूरे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का हेड हुआ करता था। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो इसे भारत का राष्ट्रपति निवास बनाया गया, लेकिन हमारे दूसरे राष्ट्रपति प्रोफेसर एस राधाकृष्णन ने इसे एकेडमिक यूज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दे दिया, जिसने इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बना दिया। तो अब इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी या फिर सिंपली एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा आर्किटेक्चर है इस इमारत का। इसमें इंग्लिश और स्कॉटिश आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है। इसमें जो वुड यूज़ हुई है वो टीक वुड है, जो कि बर्मा से लाई गई है। टीक वुड के साथ साथ इसमें देवदार और अखरोट के पेड़ की वुड भी यूज़ हुई है। तो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो शिमला क्षेत्र 1815 में अंग्रेज़ों के अंडर ट्रीटी ऑफ सुगौली के थ्रू आया। 1819 में लेफ्टिनेंट रॉस ने सबसे पहले शिमला में एक वुड कॉटेज बनाया। क्योंकि यहाँ ब्रिटेन जैसा ही मौसम होता था तो ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ आना शुरू कर दिया, मेनली जब भारत में गर्मी का मौसम होता था। तो 1863 में उस टाइम के वॉयस रॉय जॉन लॉरेंस ने ब्रिटिश राज की कैपिटल शिमला में शिफ्ट करने का डिसाइड किया। तो 1864 में शिमला को ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल घोषित कर दिया गया। तो इस वॉयस राय लॉज का जो निर्माण है 1880 में स्टार्ट किया गया था और 1888 में इसका निर्माण पूरा हो गया। तो जुलाई 1888 में यहाँ वॉयस रॉय लॉर्ड डफरिन ने सबसे पहले आकर रहना शुरू किया। तो आप यहाँ आ सकते हैं और इसे देख सकते हैं। यहाँ पे आप टिकट लेके अंदर भी जा सकते हैं। इसके अंदर आपको वॉयस रॉय की कुर्सी और अन्य कई साजो सामान देखने को मिलेगा। ये वॉयस रॉय लॉज का बैकयार्ड है। अब बैकयार्ड में एक बोटेनिकल गार्डन बना दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बोटेनिकल गार्डन से आप यहाँ के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उनका व्यू एन्जॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।